22 फरवरी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पद की सूचना का प्रकाशन 13-12 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20-12। संवीक्षा 21-12। नाम वापस लेने की तारीख 23-12। मतदान 28-1। हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम DNM निकाल करके और EVM का फर्स्ट लेवल चेक करके EVM क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें। मतगणना पंच सरपंच की 28-1। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर EVM से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी। जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा 22 फरवरी और जिला पंचायत के सदस्य के लिए सारणीकरण उनके मतों का और 23 फरवरी को जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा। तीसरे राउंड के प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करना 30 दिसंबर के अंदर करना हमारे लिए आवश्यक है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी, जांच 7 जनवरी, नाम वापस लेना और प्रतीक आवंटन 10 जनवरी, मतदान 16 फरवरी। तो मतदान 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, ये 3 राउंड के मतदान हैं। 16-2 को पंच सरपंच की मतगणना, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का के मतों की गणना 20 फरवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 21 फरवरी। जनपद पंचायत के लिए परिणाम घोषणा 22 फरवरी। जिला पंचायत का सारणीकरण होगा उस दिन और अगले दिन 23 फरवरी को जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगी। ये पूरी जानकारी है जी। अंतिम परिणाम 23 फरवरी, ये जानकारी आपको दे दी जाएगी। मुझे जरूरत नहीं है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और हाई कोर्ट में कुछ केसेस लगे थे जिसमें किसी ने कहा था कि जिला पंचायत चुनाव में देर हो रही, जल्दी कराइए। किसी ने कहा था कि कोविड फैल रहा है, जल्दी करिए। आज की तारीख में एज ऑफ टुडे पूरे प्रदेश में 128 केस है। 52 जिलों में 128 केस बहुत ही छोटा नंबर है, तो परिस्थितियां अनुकूल हैं चुनाव की। टोटल 128 है पूरे प्रदेश में। IAS ऑफिसर एसोसिएशन ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हाँ, उसके हम भी IAS अधिकारी हैं भूतपूर्व, उसके कई कारण हैं, कोरोना उसका कारण नहीं है। शांत रहे तो बात सुनाई देगी जी। नहीं, कुनाल चुनाव पे कोई ऐसा नहीं, चुनाव तो कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है। किससे कोई चुनाव तो अपनी जगह है, दैट इज इन इट्स ओन प्लेस। अगर हमें स्पेकुलेशन करना ही है तो अच्छा किया जाए ना, खराब स्पेकुलेशन क्यों करना है। जब जैसी परिस्थिति बनेगी तब तैसा निर्णय लेंगे। चुनाव कभी भी इस तरीके से नहीं किए जाएंगे कि आम जनता के जान माल स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का खतरा न। पहले भी जब हम चुनाव की बात कर रहे थे तो हम ये कहते थे कि कोविड पर दृष्टि रहेगी
और पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि हमारे कारण, चुनाव के कारण, कोविड के केसेस की बढ़ोतरी न हो। और हम डेली रिपोर्ट लेते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कि कितने टीकाकरण हुए और कितने केसेस हुए, कितने नए केसेस हुए, कितने पुराने लोग ठीक होकर के वापस गए, जो केसेस हैं उनमें सीरियस कितने हैं, ये भी हम लेते हैं। तो उस बात जो है, तो राज्य सरकार ने कहा था कि चुनाव नहीं करवाते क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, क्या इस तरह से इस बार भी कोई राज्य सरकार से संवाद किया गया इस संबंध में? राज्य सरकार से स्थायी संवाद होता रहता है, हम डेली रिपोर्ट लेते रहते हैं। और हम चुनाव करने जा रहे हैं, ये राज्य सरकार को इसलिए पता लग जाता है क्योंकि हम चुनाव से पहले कलेक्टरों से वीसी करते हैं। कलेक्टरों से वीसी करने के लिए जीएडी की अनुमति लगती है कलेक्टर को कि वो वीसी अटेंड कर सके। तो हमारे यहाँ से चिट्ठी जाती है जीएडी को कि कलेक्टरों को अनुमति दीजिए, हम इस तारीख को इतने बजे वीसी करना चाहते हैं। हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए क्यों नहीं सीट आरक्षण किया जा रहा है? नहीं समझा मैं आपकी बात, एक मिनट पहले उनकी बात समझ लूं तो फिर अगला बताऊंगा। जी, 14 तारीख को ये सब पहले से हो चुका है, ये सब पहले से हो चुका है। ये सरकार से संबंधित है, हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन हम अपने सामान्य ज्ञान से आपको उत्तर दे रहे हैं कि बाकी सारे रिजर्वेशन हो चुके थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का रिजर्वेशन नहीं हुआ था। इसलिए हम बहुत लंबे समय से लगातार सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि आप ये रिजर्वेशन करिए, हमें चुनाव कराना है, हमें बिना पोजीशन क्लियर हुए चुनाव कैसे होगा। तब राज्य सरकार ने ये एक्शन, वैसे भी उन्हें लेना था बिकॉज जिला पंचायत अध्यक्ष का रिजर्वेशन नहीं करें ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत लंबे समय से रुका हुआ था। तो राज्य सरकार इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रही, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। राज्य सरकार का सार्वभौम अधिकार है डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं। सर, 2019 के आरक्षण कैंसिल किए हैं तो उसमें तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि उसी सीट को उसी में दोबारा दे रहे हैं? जो रिजर्वेशन पहले से है उस पे ही दोबारा चुनाव हो गए, कोर्ट में जाने वाला मामला? हाँ, लोग जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट जैसा करेगा वैसा करेंगे, लेकिन हमारे पास हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव कराना। जब तक किसी प्रकार की कोई रोक हमारे सामने नहीं है तब तक हमें चुनाव कराना ही कराना है। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, जो बहुत अच्छी, बहुत एक्सेप्टेबल स्थिति नहीं है। किन्हीं भी परिस्थितियों में चुनाव होते हैं, जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी बहुत सारे स्टेट्स में पंचायत चुनाव हुए, अर्बन बॉडी चुनाव हुए, हमने नहीं किया क्योंकि हमने रिस्क नहीं लिया, लेकिन लोगों ने किया और कोई बहुत बुरे परिणाम नहीं हुए उसके। उत्तर प्रदेश एक केस है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। एक ही जैसा होता है, हम आपको मॉडल कोड की भी कॉपी देंगे, बहुत बारीकी से देख सकेंगे। थैंक यू भाई, कृपया चाय पी करके जाइएगा। आप लोग फोन करते थे हम आपके। तो दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीसरे चरण की वोटिंग 16 फरवरी को होगी। और आपको जानकारी दे दें, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता अब लागू हो चुकी है। पहले चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलेंगे, साथ ही तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी, इसके साथ ही दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा और 16 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। तो 3 चरणों में ये पंचायत चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी दी है कि 3 चरणों में इलेक्शन होंगे, पहले चरण में 9, दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में, आपको बता दें, चुनाव होंगे 3 चरणों में चुनाव होना है। 4,25,000 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे, प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासन अधिकारी, 4 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे। एक बार फिर से तारीखें आप सुन लीजिए, दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को, पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को, तीसरे चरण के लिए वोटिंग 16 फरवरी को होगी। तो चुनाव के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र इस्तेमाल किए जाएंगे और समय सीमा सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। तो मतदाता को कोई एक पहचान पत्र मतदान केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिन पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा होगा वहां तभी पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। पंचायत चुनाव में 55,000 ईवीएम इस्तेमाल की जाएंगी।
तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलेंगे और तीन चरणों में चुनाव होंगे, जिसके लिए 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा। 16 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। तो ईवीएम से मतदान होगा, तीन चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 85 जनपदों में चुनाव होगा, दूसरे चरण में 110 में और तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतों में चुनाव होगा। चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। ये राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप सुन रहे थे, जिसमें जानकारी दी है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण में 9, दूसरे चरण में 7 जिलों में चुनाव होना है। और आपको बता दें, 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर ही वोटिंग होगी। मतदान होगा 71,398 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा। 4,25,000 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। तो देखिए, कोविड, क्योंकि एक बार फिर से कोविड काल और इस कोरोना के साए में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो उसमें कहा गया था कि हम लगातार इन चुनावों को कोविड के चलते टालते आ रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब